तो हेलो दोस्तों फैंटास्टिक फ्लेवर फूड में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे सस्ती और सबसे आसान ये कचौड़ी बनाने की रेसिपी आलू कचौड़ी बनाएंगे हम आज बिल्कुल नए तरीके से बिल्कुल हमें ना ही आटा गूंथने की ज़रूरत पड़ेगी ना ही हमें बेलने की ज़रूरत पड़ेगी और इसके साथ बनाएंगे एक नए तरीके की स्टफिंग तो चलिए आइए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर एक बाउल में हम ले लेंगे एक कप गेहूँ का आटा और इसी के साथ हम यहाँ चौथाई कप ले लेंगे सूजी तो सूजी बारीक या मोटी आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं सूजी से क्या होगा कि हमारा जो कचौड़ी है वो बढ़िया सा खस्ता बनकर के तैयार होगा अब इसी के साथ हाँ, अपने कचौड़ी को और भी ज्यादा खस्ता बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे घी तो मैंने यहाँ पे घी को मेल्ट करके इस्तेमाल किया है तो लगभग तीन चम्मच के करीब मैंने इसमें ऐड किया है आप यहाँ पे घी की जगह पर चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा वाइन हाथों से क्रस करके आधा चम्मच के करीब और बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे दो चम्मच के करीब सफ़ेद तिल ऐड किया है और थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे लगभग आधी चम्मच के करीब आप यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर की जगह पर कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और इसे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरीके का घोल तैयार करेंगे तो यहाँ पे दो कप हमें पानी पूरा लग जाएगा तो एक कप बैटर के लिए हमें दो कप यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करना है तो मैंने इसे बढ़िया से घोल लिया है आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए बिल्कुल रनी इस तरीके से पतली होनी चाहिए चलिए इसे रखते हैं अब थोड़ी देर रेस्ट के लिए बनाते हैं एक मज़ेदार सी तो अपनी कचौड़ी के लिए मज़ेदार स्टफिंग बनाते हैं इसके लिए सबसे पहले मिक्सर जार में हम डालेंगे एक चम्मच धनिया और एक चम्मच हम यहाँ पर ज़ीरा ऐड करेंगे और लगभग आधे चम्मच के करीब सौंफ ऐड कर देंगे और इसी के साथ थोड़ा सा मैंने यहाँ अजवाइन ऐड किया है लगभग एक चौथाई चम्मच के करीब और इसे हमने दरदरा इस तरीके से पीस लेना है ये देखिए तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं तो यहां पर एक पैन में मैंने एक टेबल स्पून तेल गरम कर लिया है और इसी के साथ इसमें डाल देंगे आधा चम्मच के करीब सरसों के दाने और इसी के साथ जैसे ही क्रैकल होने जाए लगेंगे इसमें तीन से चार हरी मिर्ची बारीक काट करके ऐड कर देंगे तो आप तीखा अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं तो जैसे ही मिर्ची और सरसों बढ़िया से क्रैकल होने लगेगा तो हमें इसमें ऐड कर देना है जो हमने मसाले को कूट करके रखा था इस तरीके से तो लगभग डेढ़ चम्मच के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया है फ्लेम यहाँ पर हमें मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ी देर भून लेना है जब इसमें से बहुत ही खुशबू आने लगे तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक बड़े साइज का प्याज बारीक काट करके और इसे भी हमें थोड़ी देर सौते कर लेना है तो प्याज को और मसालों को हमें लगभग तीन से चार मिनट के लिए इस तरीके से सौते कर लेना है मीडियम फ्लेम पे ताकि ये अपना हल्का सा कलर बस चेंज कर लें तो जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तो हमें इसमें ऐड कर देना है चार से पाँच मीडियम साइज़ के आलू जिसे मैंने बॉयल कर लिया था बढ़िया से छील करके रफली मैंने मैश कर लिया है और इसे हल्का सा इसमें मिला लेंगे अब इसमें डालेंगे कुछ मज़ेदार से मसाले तो मसालों में यहाँ पर मैंने आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड किया है एक चौथाई चम्मच गर्म मसाला एक चम्मच के करीब धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ यहाँ पर आधा चम्मच अमचूर पाउडर यदि अमचूर पाउडर आप आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे चाट मसाला ऐड कर लीजिए या फिर आप चाहे तो नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और बढ़िया से इसे मिला लेंगे अब ये प्रोसेस मुझे थोड़ा सा आसान लगता है इस वजह से मैंने ऐसे किया है आप चाहे तो यहाँ पर आलू को ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं तो इसी तरीके से मैश करते जाएंगे और मसालों को हमें आलू के साथ अच्छे से मिला लेना है और दो मिनट के लिए हमें मसालों को आलू के साथ भून लेना है जैसे ही मसाले बढ़िया से भुन जाएंगे तो हम फ्लेम का ऑफ़ कर देंगे और इसके बाद इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक प्लेट में और जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा हमें इस तरीके से हाथों तो में लेते हुए इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेना है इसी तरीके से हम बना करके रेडी कर लेंगे तो चलिए देख लेते हैं अपने घोल को तो हमने आटे को जो घोल करके रखा था वो बढ़िया से सेट भी हो गया है तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था अभी फ्लेम यहाँ पे हाई है और हाई फ्लेम पे जो हमने बैटर तैयार किया था उसे हमें डायरेक्टली एक कढ़ाई में ऐड कर देना है और इसे कंटीन्यूसली चलाना है हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है यदि आप अगर छोड़ देंगे तो इसमें लम्ब्स गाठे पड़ जाएंगे और जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसे हैंडल करना तो इसी तरीके से कंटीन्यूसली हमें चलाते हुए इस तरीके से मिला लेना है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि हल्का हल्का ये गाढ़ा होते जाएगा और ये डो के फॉर्म में आने लगेगा तो इसी तरीके से हमें चलाते हुए इसे मिला लेना है तो जैसे ही हमारा बैटर जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा तो यहाँ पे फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें कंटिन्यूसली चलाना है तो आप देख सकते हैं मैंने वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया है ताकि आपको देखने में कोई भी डाउट ना हो कि ये कैसे बन रहा है तो इस तरीके से हमें इसे चलाते हुए इसे एक डो के फॉर्म में ले आना है तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इसे चलाते हुए मैंने पाँच मिनट इसे पका लिया है अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे इन्हें हमें हाथों से हल्का सा मसल लेना है उससे पहले आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल हाथों में लगा सकते हैं इस तरीके से हाथों में ऑयल लगाने से ये बैटर जो है हमारा चिपकेगा नहीं हाथों में तो इसे मैंने हाथों से बढ़िया से मसल लिया आप देख सकते हैं डो कितना मुलायम है तो इसी तरीके का मुलायम डो हमें चाहिए तो टाइट डो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अब इस तरीके से छोटी छोटी हमें कचौरी के लिए लोई कट कर लेनी है इस तरीके से और हाथों के बीच में इसे रखते हुए इस तरीके से प्रेस करेंगे और कटोरी का हमें इसे शेप दे देना है तो इस तरीके से एक स्टफिंग हमें इसे इस तरीके से गोल वाली बना करके इसमें ऐड कर देनी है और बस इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है तो उंगलियों की मदद से हमें इस तरीके से स्टफ़िंग को पूरी तरीके से अच्छे से कवर कर देना है तो स्टफ़िंग पूरी तरीके से कवर होना बहुत ज़रूरी है वरना जब हम इसे फ्राई करेंगे तो तेल में जा कर के खुल जाएंगे तो इस तरीके से चिकना कर लीजिए और हथेलियों के मदद से आप इसके बीच में थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस कर दीजिए हलवाई बिल्कुल यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं अपनी कचौरी को फुलाने के लिए तो इस तरीके से हम इस तरीके से बना लेंगे मैं आपको एक और दिखा देती हूँ एक्सेस पार्ट जो होगा अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं हैं अब ये देखिए हथेलियों की मदद से इसे हमें इस तरीके से प्रेस कर लेना है ताकि हमारी कचौरी में थोड़ा सा इस तरीके से स्पेस बन सके आप देख सकते हैं बीच में ये हल्का सा दबा हुआ है इसी तरीके की कचौरी बननी चाहिए तो चलिए अगर आपको इस तरीके से बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ इस तरीके से एक चम्मच ले लीजिए गोल वाली उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और आटे को इसमें इस तरीके से रखते हुए प्रेस कर लीजिए और थोड़ी सी स्टफिंग बीच में ऐड कर दीजिए और इसे निकाल लीजिए और इसके बाद इसे थोड़ा सा पतला कर लीजिए और बढ़िया से इसे भी सेम प्रोसेस से बंद कर लीजिए तो इस तरीके से अगर आप कचौड़ी बनाएंगे तो आपकी कचौड़ी के जो लेयर है वो थोड़ी पतली बनेगी और जो मैंने पहले वाला प्रोसेस बताया है उससे थोड़ी सी मोटी बनेगी बस इतना ही इसमें अंतर आएगा तो ये देखिए यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था तेल को पहले मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है मतलब दो मिनट के लिए गरम किया है अब इसमें इस तरीके का बॉल ऐड करके देखेंगे जैसे ही ये ऊपर सरफेस पे तैरने लगे तो समझ जाएंगे कि हमने जो ऑयल गर्म किया है वो परफेक्टली गर्म हो गया है हमारी कचौरी को तलने के लिए तो इसी तरीके से अब कचौड़ियों को ऐड कर देंगे तो बहुत ज्यादा कचौरियों को एक साथ नहीं तलना है हमें क्योंकि हमने इसे आ, स्टीम किए हुए आटे से बनाया है तो ये थोड़े से चिपकने लगेंगे इस वजह से बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं करना है तो हल्का सा आप देख सकते हैं कचौरी अभी से ही फूलने लगी है तो जैसे ही ये ऊपर सरफेस पे इस तरीके से तैरने लगेगा तभी हमें इस तरीके से इसे पलटना है यहाँ पे फ्लेम को मैंने अभी लो रखा हुआ है लो फ्लेम पे ही हमें कचौरियों को तलना है तो कचौरियों को तलने के लिए हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि कचौरियों को एकदम धीमे आँच में हमें तलना होता है तभी ये जा कर के एकदम खस्ता करारे बन करके तैयार होते हैं तो धीमी आँच में तलते हुए इसे मुझे सात मिनट हो गए हैं और ये सात मिनट में बढ़िया से तल करके तैयार हैं आप देख सकते हैं इनका कलर कितना बढ़िया आया है तो लीजिए मैंने यहाँ पे सारे कचौरियों को बढ़िया से तल करके तैयार कर लिया है तो देखा आपने एक कप गेहूं के आटे तैयार करेंगे तो आपकी कचौरी सुबह इस तरीके से क्रिस्पी रहेगी आप देख सकते हैं मेरे तोड़ने से ही आपको पता लग रहा होगा कितने क्रिस्पी बन करके तैयार हुए हैं तो पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे जब आप एक बार इस तरीके से मेरे तरीके से बनाए हुए कचौरी को खाएंगे तो इस तरीके से एक बार कचौरी बनाइए घर वालों को खिलाइए यकीन मानिए ये इनको बहुत पसंद आएगा इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपी के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें मिलते हैं कल सुबह नौ बजे एक और रेसिपी के साथ टिल देन टेक केयर एंड बाय